हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इवॉल्व कंस्ट्रक्शन के बारे में और हम इसमें बात करेंगे ब्रैक्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस, जिसको हम कहते हैं ब्रैक्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो इवॉल्व कंस्ट्रक्शन का फंडा जो है, ये इवॉल्व कंस्ट्रक्शन यार ये टॉपिक आया क्यों, क्यों हम इसे पढ़ना है और इस टॉपिक का फायदा क्या है, तो ध्यान से समझना है इसको। अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, अगर हम बात करें लैटिस के बारे में, तो लैटिस के बारे में हम जानते हैं, लैटिस बेसिकली क्या होते हैं कि एक पॉइंट्स का अरेंजमेंट होता है कुछ इस तरीके से कि हर एक पॉइंट सेम सराउंडिंग में हो, हर एक पॉइंट सेम सराउंडिंग में हो। अब हम ये भी जानते हैं कि जो लैटिस है वो दो तरीके का होता है, हम ये भी जानते हैं कि जो लैटिस होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है भाई साहब डायरेक्ट लैटिस, एक होता है डायरेक्ट लैटिस और एक होता है रेसिप्रोकल लैटिस, एक होता है रेसिप्रोकल लैटिस। ठीक है, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, हम तो जानते हैं भाई, आप जानते हो ना रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में, पता है ना? नहीं पता तो यार टेंशन नहीं लेने का, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो के लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। क्या सर्च करना है? रेसिप्रोकल लैटिस बाय आरके फिजिक्स पॉइंट, तो भाई साहब वीडियो मिल जाएगी। टेंशन नहीं लेने का। तो लैटिस भाई दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट लैटिस, एक होता है रेसिप्रोकल लैटिस। अच्छा, हमने सबसे पहले ब्रैक्स लॉ जो पढ़ा था वो पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट लैटिस के लिए। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि यार पैरेलल प्लेन्स होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे डायरेक्ट लैटिस के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, पैरेलल प्लेन्स होते हैं, सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होते हैं। कोई ऐसे पैरेलल प्लेन होंगे, कोई ऐसे पैरेलल प्लेन होंगे, कोई ऐसे पैरेलल प्लेन्स होंगे, और उनमें जब हम एक्सरे को डालते हैं, उनमें हम क्या करते हैं भाई मेरे, एक्सरे को डालते हैं, तो एक्सरे क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है और आगे कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करती है और डिफ्रैक्शन पैटर्न्स को देती है। उसकी कंडीशन क्या निकल कर आई थी, उसकी कंडीशन निकल कर आई थी 2D साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, ये हमारी कंडीशन निकल कर आई थी और इसको हमने ब्रैक्स इक्वेशन कहा था, जहां पर डी क्या है, डी बेसिकली है इंटरप्लेनर स्पेसिंग, प्लेन्स के बीच की दूरी। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड प्लेन, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड प्लेन, सॉरी ये एंगल यहां पर होंगे इंसिडेंट एंड प्लेन, जिसको ग्लेंसिंग एंगल भी कहते थे। एन यहां पर क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, और लैम्डा बेसिकली क्या है, एक्सरे की वेवलेंथ। यहां तक क्लियर है? अच्छा जी, ये वाली बात समझ में आ गई भाई साहब हमारे। तो प्रॉब्लम देखो क्या है, प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्ट लैटिस के लिए हमें ब्रैक्स लॉ की कंडीशन पता है, हम ये जानते हैं कि यार ब्रैक्स लॉ की फॉर्म क्या है, 2D साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर हमारे पास डायरेक्ट लैटिस नहीं है, अगर हम डील कर रहे हैं रेसिप्रोकल लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस, एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं कि भाई डायरेक्ट प्लेन में बहुत सारे सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होंगे, तो अलग अलग सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स को अगर हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं तो एक अरेंजमेंट मिलेगा पॉइंट्स का, एक पॉइंट्स का क्या मिलेगा, लैटिस मिलेगा, और इसी लैटिस को रेसिप्रोकल लैटिस कहते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट बताया, क्लियर? सो अब सवाल प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम ये निकल कर आई कि यार ब्रैक्स लॉ की जो कंडीशन है, मतलब कि जो डिफ्रैक्शन होने की कंडीशन है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की कंडीशन है जो ब्रैक्स ने दी थी, वो डायरेक्ट लैटिस के लिए तो ये थी 2D साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। लेकिन हमारे, हमने ये पढ़ा है कि यार अगर हमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स को आसान करना है तो हमें रेसिप्रोकल लैटिस से डील करनी है, डायरेक्ट लैटिस से डील नहीं करनी। मतलब कि ज़्यादातर हम रेसिप्रोकल लैटिस को ही पढ़ेंगे, उसके लिए ये कंडीशन तो लगेगी नहीं, क्योंकि रेसिप्रोकल लैटिस में डी तो है ही नहीं। सोचो, देखो डायरेक्ट लैटिस में प्लेन्स थे, प्लेन्स है तो डी है, बेसिक इंटरप्लेनर स्पेसिंग। रेसिप्रोकल लैटिस में तो कोई प्लेन ही नहीं, सारे प्लेन्स को तो एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रखा है ना भाई। हम रेसिप्रोकल लैटिस का फंडा इसलिए लाए थे कि हम प्लेन से बच सकें, तो रेसिप्रोकल लैटिस में कोई प्लेन्स ही नहीं है, मतलब कि डी नहीं है। ओए होए होए होए, मतलब हमारा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये निकल कर आई कि यार ये जो 2D साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा है, ब्रैक्स कंडीशन जो है डायरेक्ट लैटिस में तो अपने को आता है, लेकिन रेसिप्रोकल लैटिस से जब हम डील करेंगे तो ये कंडीशन क्या होगी। तो अब इसी कंडीशन को निकालने के लिए इवॉल्व ने एक कंस्ट्रक्शन दिया, जिसको नाम दिया गया इवॉल्व कंस्ट्रक्शन। फील आया इवॉल्व कंस्ट्रक्शन का? फील आया भाई साहब, फील आना चाहिए। इवॉल्व कंस्ट्रक्शन का फील क्या है? इवॉल्व कंस्ट्रक्शन का फील ये है कि यार रेसिप्रोकल लैटिस में अगर हम डील करते हैं तो हमारे पास कोई ब्रैक्स की कंडीशन नहीं है, हमारे पास इंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की कंडीशन नहीं है। मतलब कि ब्रैक्स लॉ को रेसिप्रोकल लैटिस के लिए लिखने के लिए एक कंस्ट्रक्शन आया गया, इवॉल्व कंस्ट्रक्शन। इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख रखी है, इवॉल्व कंस्ट्रक्शन एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है।
ये भी याद रखना, इवॉल्व कंस्ट्रक्शन को कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं दे रखा, ये एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन है, ये एक स्टेटमेंट है, इससे हो रहा है बस, ठीक। तो इवॉल्व कंस्ट्रक्शन एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है टू गेट, जिससे हम रिलेशन बता सकते हैं वेव वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट एक्सरे विद द हेल्प ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। ये लाइन आपको आगे समझ में आएगी, इस लाइन की, इसकी टेंशन मत लेना, बस इसकी टेंशन देखो, मतलब ये वाली लाइन देखो कि दस ड्राइव ब्रैक्स इक्वेशन रेसिप्रोकल लैटिस, मतलब कि इवॉल्व कंस्ट्रक्शन टॉपिक क्यों आया। इवॉल्व कंस्ट्रक्शन टॉपिक हमें मदद, हमारी मदद करने के लिए आया, ब्रैक्स लॉ को रेसिप्रोकल लैटिस में कैसे लिखेंगे उसको लिखने के लिए ये हमारा कंस्ट्रक्शन आया, दैट इज इवॉल्व कंस्ट्रक्शन। क्लियर है, फील आया, इवॉल्व कंस्ट्रक्शन का फील आया। अब भाई कंस्ट्रक्ट करना क्या है, क्या है कंस्ट्रक्शन में, कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, 9th-10th में पढ़ते नहीं थे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, छोटा मोटा कंस्ट्रक्ट करते थे तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते थे, यहाँ पर भी ये करेंगे भाई, इसके भी कुछ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो होंगे ना, ऐसे थोड़ा ना कंस्ट्रक्ट कर देंगे। तो स्टेप देखो क्या है, ये कंस्ट्रक्शन है क्या, इसको लिखते मतलब समझते हैं, नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं लिखी हमने यहाँ पर, चलिए हटा देते हैं फिर, कोई बड़ी बात नहीं है। और बताइए क्या हाल चाल आप सभी की, काम का, हाँ चलिए ठीक है, इधर दे, हाँ। तो अब ये कंस्ट्रक्शन देखो क्या है, कंस्ट्रक्शन बड़ा सिंपल सा है, इन्होंने ये कहा, मतलब इवॉल्व ने, इवॉल्व भाई साहब जो थे, इन्होंने ये कहा कि मान लो ये एक रेसिप्रोकल लैटिस है, रेसिप्रोकल लैटिस है, ध्यान से सुनना, डायरेक्ट लैटिस नहीं मेरे भैया, ये रेसिप्रोकल लैटिस है, यहाँ पर हर एक पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सोच के बोलना, हर एक पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा, सोच के बोलना, इन रेसिप्रोकल लैटिस ईच पॉइंट रिप्रेजेंट, इन रेसिप्रोकल लैटिस ईच पॉइंट रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ पैरेलल ब्रिज, अ सेट ऑफ पैरेलल ब्रिज, काम की चीज है, आराम से लिखना, ठीक है। इन रेसिप्रोकल लैटिस हर एक पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा क्या, अ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स मेरे भाई, मतलब कि ये जो पॉइंट है ये सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक पॉइंट जो है रेसिप्रोकल लैटिस का वो प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक बा, यहाँ तक क्लियर है। अब सुनो ध्यान समझना, कंस्ट्रक्शन देखो क्या है, कंस्ट्रक्शन में उन्होंने पहला स्टेप क्या कहा, पहला स्टेप उन्होंने ये कहा कि एक लाइन ड्रॉ करो, सुनना ध्यान समझना, एक लाइन ड्रॉ करो किसकी डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, मान लो यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट रे जा रही है यू करके, भाई ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल का रेसिप्रोकल लैटिस है और इसमें ऐसे करके क्या गिर रही है, इंसिडेंट रे गिर रही है यू करके, तो उसके डायरेक्शन के अलोंग एक लाइन ड्रॉ करो, एक क्या ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करो किसी भी आर्बिटरी पॉइंट से, जरूरी नहीं कि वो एक रेसिप्रोकल पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया ऐसे करके, ये पॉइंट ले लिया ऐसे करके, ये ए पॉइंट ले लिया और इससे मैंने क्या काम करा, ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर दी 1/लैम्डा की, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1/लैम्डा हो, वेक्टर कह सकते हो आप इसको, ये ए ले लिया, ये ओ ले लिया, ठीक है, मतलब कि हमने क्या काम करा, हमने एक ड्रॉ करा अब वेक्टर ओ ए, ओ ए एक वेक्टर ड्रॉ करा जिसका मैग्नीट्यूड, हूज मैग्नीट्यूड, इज 1/लैम्डा, मतलब कि ओ ए का जो मैग्नीट्यूड था वो कितना था मेरे भाई, 1/लैम्डा, ठीक है, 1/लैम्डा का हमने इसका मैग्नीट्यूड लिया और एंड इट्स डायरेक्शन, एंड इट्स डायरेक्शन इज टूवर्ड्स या फिर इज इंसिडेंट एक्सरे, क्लियर, इंसिडेंट एक्सरे, भाई जिस डायरेक्शन में एक्सरे इंसिडेंट हुई है उसी डायरेक्शन में हमने वेक्टर ड्रॉ कर दिया विच इज ओ ए, जिसका मैग्नीट्यूड 1/लैम्डा था, क्लियर है। ए कोई भी आर्बिटरी पॉइंट है, जरूरी नहीं कि ये रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट होगा, कोई भी आर्बिटरी पॉइंट ले लिया हमने, कोई भी रैंडम एक पॉइंट ले लिया, क्लियर है, ये रेसिप्रोकल लैटिस है और हमने एक वेक्टर डाल दिया ओए, यहां तक कोई डाउट है। सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर टू, इन्होंने ये कहा कि यार ओए वेक्टर को क्या काम करो, रेडियस की तरह यूज करो और एक सर्कल ड्रॉ करो, सॉरी स्फीयर ड्रॉ करो, क्योंकि ये थ्री डायमेंशन फिगर है तो एक स्फीयर ड्रॉ होगा, तो उन्होंने कहा कि यार इसको एज अ रेडियस मानो और ऐसे करके एक सर्कल ड्रॉ कर दो, मतलब कि स्फीयर ड्रॉ कर दो ऐसे करके,
ओहो, थोड़ा सा ऐसे करके ऊबड़ खाबड़ थोड़ा ड्रॉ हो गया होगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। आप पेंसिल से आराम से ड्रॉ कर लेना, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। चलो आ जाओ, कौन इतना टाइम वेस्ट करे, समझ में आना चाहिए बस, है ना। कौन स्केल, अब बच्चे तो है नहीं, बीएससी वाले एमएससी वाले बच्चे होंगे, कौन स्केल स्केल लेके पढ़े इसको, ऐसे समझ लेते हैं। आ जाओ, तो हमने क्या काम करा, सेकंड स्टेप ये करा कि हमने ओए को यूज करा एज अ रेडियस, और एक स्फीयर ड्रॉ करा जिसकी रेडियस 1 बाय लैम्डा होगी, ऐसे करके। क्लियर है, सेकंड स्टेप समझ में आया। हमने क्या करा, ड्रॉ करा अ स्फीयर ऑफ रेडियस 1 बाय लैम्डा टेकिंग ए एस सेंटर, ए को हमने सेंटर मान लिया। भाई साहब यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, अब ध्यान समझना ठीक। इस स्फीयर को एक नाम दिया गया, इस स्फीयर को नाम दिया गया इवॉल्व स्फीयर, इवॉल्व स्फीयर, क्लियर, इवॉल्व स्फीयर। अब ये स्फीयर बताता क्या है, ध्यान समझना, मुझे दिमाग लगा के बताओ, क्या ये स्फीयर किसी रेसिप्रोकल लैटिस को इंटरसेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं करेगा, करेगा। देखो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक बात, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, ध्यान समझना क्लियर। क्या ये सिर्फ एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा? नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करेगा। भाई अगर आपका ये जो इवॉल्व स्फीयर है, क्या ये एक ही लैटिस पॉइंट को, मतलब रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा? नहीं मेरे भाई, बहुत सारे मतलब पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करेगा। हुआ क्या, ये पॉइंट्स क्या दिखा रहे हैं, ध्यान से समझना, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं ये क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं कि ये जो प्लेन्स है, देखो ये वाला जो पॉइंट होगा ये प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और ये जो प्लेन्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये दिमाग लगाना, ये ब्रैक्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। मतलब कि अगर, ध्यान सुनो 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 आराम से, अगर मैं यहां से इसको हटा रहा हूं, अगर मैं यहां से एक वेक्टर डालूं यू करके, तो ये जो वेक्टर आएगा, दिस इज ओ बी, सॉरी ए बी, ए बी जो वेक्टर आएगा ये रिफ्लेक्टेड एक्सरे है। ये देखो ओए क्या है, देखो यहां लिखता हूं मैं, यहां 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 कहां लिखा है, ओए क्या है, ओ है इंसिडेंट एक्सरे, ओ है इंसिडेंट एक्सरे, ओ ए क्या थी, इंसिडेंट एक्सरे जो प्लेन्स के ऊपर गिरी, और ए बी क्या है, ए बी बेसिकली डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड एक्सरे, रिफ्लेक्टेड एक्सरे, रिफ्लेक्टेड एक्सरे। अरे भाई ब्रैक्स में यही तो हो रहा था, ब्रैक्स में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, प्लेन्स थे तो लाइट ऐसे जा रही थी ऐसे जा रही थी, तो प्लेन्स क्या कर रहे थे, उसको इंसिडेंट कर रहे थे, रिफ्लेक्ट कर रहे थे, और फिर वो रिफ्लेक्ट करके आगे डिफ्रेक्शन पैटर्न दे रही थी, ठीक। हमने वहां पर यही कराया, बस रेसिप्रोकल लैटिस में करा, इसलिए कंफ्यूजन हो रही है, ध्यान समझो। ओ ए वैक्टर बेसिकली क्या दिखा रहा है, इंसिडेंट एक्सरे, और ए बी बेसिकली क्या दिखा रहा है, जिन पॉइंट पे इवॉल्व स्फीयर जिन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट बेसिकली क्या शो कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड एक्सरे। मतलब कि उन पॉइंट पे ब्रैक्स कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये वाला पॉइंट जो है ब्रैक्स कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि ये होगी इंसिडेंट एक्सरे और ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड एक्सरे। क्लियर है, क्लियर है, अच्छा। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इसको ऐसे करके यू ज्वाइन कर दूं, थोड़ा सा आराम से समझना। तो अगर मैं ओ बी वैक्टर को ऐसे ड्रॉ कर दूं यू करके, ऐसे करके ये वाला वेक्टर, तो ये वाला वेक्टर क्या बना, ओ बी वेक्टर को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये ओ बी वेक्टर क्या बना, ध्यान समझना। तीन वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर हो गया ओ ए, ए वेक्टर हो गया ए बी, और एक वेक्टर हो गया हमारा ओ बी। ये ओ बी वेक्टर क्या होगा, ये होगा रेसिप्रोकल वेक्टर, रेसिप्रोकल वेक्टर, ध्यान से समझो मेरे भाई, ये रेसिप्रोकल पॉइंट्स हैं, ये ऐसे, अरे यार खुश हो जाओ, डायरेक्ट लैटिस में क्या होते थे, पॉइंट्स होते थे तो हम एक वेक्टर ड्रॉ करते तो ट्रांसलेशन वेक्टर आता था, ये रेसिप्रोकल लैटिस है, रेसिप्रोकल लैटिस में मतलब दो पॉइंट्स के बीच में जो आप वेक्टर डालोगे वो रेसिप्रोकल वेक्टर होता था, आर वेक्टर, ठीक है, रेसिप्रोकल लैटिस हाथ में होना चाहिए, जो समझ में आ गए। तो भाई मेरे ओ बी जो है वो रेसिप्रोकल वेक्टर हुआ, रेसिप्रोकल वेक्टर हुआ, जो किसके परपेंडिकुलर होगा, किसके परपेंडिकुलर होगा, रेसिप्रोकल वेक्टर किसके परपेंडिकुलर होता है, प्लेन्स के। देखो ना इस पॉइंट्स पर, इन पॉइंट्स पर प्लेन्स होंगे, उन प्लेन्स के ये परपेंडिकुलर होगा यूं करके, ये प्लेन्स होंगे ऐसे ऐसे करके, रेसिप्रोकल वेक्टर ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन्स,
हमेशा प्लेन्स के नॉर्मल होता है, तो यहाँ पे ये नॉर्मल होगा, क्लियर है। मतलब कि ये जो रेसिप्रोकल लैटिस सॉरी वेक्टर है इज ऑलवेज नॉर्मल टू क्रिस्टल प्लेन्स, नॉर्मल टू क्रिस्टल प्लेन्स। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है, समझ में आया? तो कंस्ट्रक्शन देखो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सॉरी एक सेकेंड। हाँ कंस्ट्रक्शन देखो मैंने क्या बताया, कंस्ट्रक्शन ये था कि एक रेसिप्रोकल लैटिस है, हमने क्या काम करा, इंसिडेंट एक्सरे की तरफ एक लाइन को ड्रॉ करा, एक वेक्टर को ड्रॉ करा किसी भी आर्बिट्री पॉइंट से, उसको हमने नाम दे दिया ए ओ या ओ ए, जिसका मैग्नीट्यूड था 1/λ। ए को सेंटर करके हमने एक स्फीयर को ड्रॉ करा जिसको नाम हमने दिया इवॉल्व स्फीयर, ठीक है। वो जो स्फीयर होगा वो बहुत सारे रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करेगा। वो जो पॉइंट्स होंगे वो क्या शो करेंगे, वो पॉइंट्स बेसिकली डायरेक्शन दिखाएंगे किसकी, रिफ्लेक्टेड एक्सरे की, डायरेक्शन दिखाएंगे रिफ्लेक्टेड एक्सरे की, या फिर आप कह सकते हो वो पॉइंट्स क्या दिखाएंगे कि उन प्लेन्स से डिफ्रैक्शन या फिर ब्रैक फ्लॉ फॉलो हुई है, डिफ्रैक्शन हुआ है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ओ और बी को ज्वाइन कर दिया, जो बेसिकली एक रेसिप्रोकल वेक्टर है जो उन प्लेन्स के परपेंडिकुलर होगा, क्लियर है। इवॉल्व कंस्ट्रक्शन समझ में आया, ये कंस्ट्रक्शन था, ठीक है। अब इस कंस्ट्रक्शन से सुनना ध्यान से, इस कंस्ट्रक्शन से हम अपनी जो ब्रैक्स की कंडीशन है 2d sin थीटा इक्वल टू n λ उसको भी प्रूफ कर सकते हैं, और एक ऐसी कंडीशन निकाल सकते हैं ब्रैक्स की जो रेसिप्रोकल लैटिस पे फिट होगी। तो पहले मैं उसको ड्राइव करता हूँ, 2d sin थीटा इक्वल टू n λ को उसको ड्राइव करेंगे, उसके बाद हम ब्रैक्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म या फिर ब्रैक्स लॉ रेसिप्रोकल लैटिस की एक कंडीशन ड्राइव करेंगे, क्लियर। तो दो डेरिवेशन यहाँ पर आएंगी, पहले इतना समझो, इतना क्लियर हुआ, इतना समझ में आया? अरे पहले पढ़ा, अच्छा आ जाओ, चलो अब सुनो, दिमाग लगा के, दिमाग लगा के सुनना, तीन वेक्टर समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बहुत बढ़िया। अब क्या ये जो रेसिप्रोकल वेक्टर होगा ये किसके परपेंडिकुलर है, नॉर्मल के, तो यहाँ पर क्या बहुत सारे प्लेन्स होंगे, सॉरी नॉर्मल होगा प्लेन्स के, तो यहाँ पर बहुत सारे प्लेन्स होंगे, क्या यहाँ पर एक प्लेन ऐसे हो सकता है, एक सेकेंड, क्या यहां पर एक प्लेन ऐसे हो सकता है AE? भाई AE बेसिकली क्या है, AE एक प्लेन है, भाई कुछ समझो ना, OB एक रेसिप्रोकल वेक्टर है, वो किसके परपेंडिकुलर है, एक प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो यहां पर बहुत सारे प्लेन होंगे, तो AE एक प्लेन हो गया जो उसके परपेंडिकुलर होगा, यहां तक समझ में आता है, क्लियर। अरे बहुत सारे प्लेन होंगे ना मेरे भाई, बहुत सारे प्लेन होंगे, तो हमने एक प्लेन ऐसे मान लिया, ठीक है जी, यहां तक समझ में आया। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ध्यान समझो, क्या मैं ये लिख सकता हूं जो OE है वो OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड का आधा होगा, भाई ये देखो आधे आधे हिस्से है ना परपेंडिकुलर, तो आधा आधा हिस्सा, तो ये होगा OB का आधा। अच्छा OB क्या है, OB बेसिकली है रेसिप्रोकल वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, n अपॉन में DHKL। अब भैया रेसिप्रोकल लैटिस की मतलब रेसिप्रोकल लैटिस की वीडियो देखनी पड़ेगी, वहां पर मैंने समझाया ये कैसे आया, n बेसिकली है ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन और DHKL इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, HKL बेसिकली इस प्लेन के मिरर इंडिसेस है, ठीक है। तो भाई मेरे इसकी वैल्यू यहाँ डाल दो, तो OE की वैल्यू कितनी आएगी, OE की वैल्यू आएगी n अपॉन में 2DHKL, सही है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इन ट्रायंगल OEA, वो छोटू सा ट्रायंगल दिख रहा है OEA, ये वाला ट्रायंगल, तो यहाँ पर साइन थीटा निकालो, साइन थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, OE अपॉन में OA, परपेंडिकुलर कितना है, OE, OE निकाल रखा है मैंने, n अपॉन में 2HKL, टू सॉरी n अपॉन में 2DHKL 1/λ, भाई OA बेसिकली 1/λ है ना, तो जरा देखो साइन थीटा इक्वल आया हमारा n अपॉन में, ये हुआ हमारा n λ अपॉन में 2DHKL, तो जरा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2DHKL साइन थीटा इक्वल टू n λ, तो ये ब्रैक्स कंडीशन आई, क्लियर। मतलब कि जो हमारा इवॉल्व कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल सही है,
रेसिप्रोकल लैटिस से और इस कंस्ट्रक्शन की मदद से हमने ब्रैक्स इक्वेशन को, जो हमारी डायरेक्ट लैटिस के लिए इक्वेशन थी, उसको हमने प्रूव करा। इसका मतलब ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये समझ में आता है कि यार ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही है। और इस कंस्ट्रक्शन से अब हमें एक कंडीशन निकालनी है ब्रैक्स लॉ की, इन जो रेसिप्रोकल लैटिस पे सीधी सीधी यूज हो, क्योंकि बार बार कंस्ट्रक्शन थोड़ा ना करेंगे, सीधा एक फॉर्मूला हमें समझ में आ जाए। एक रेसिप्रोकल लैटिस हम सॉरी ब्रैक्स लॉ हम निकालेंगे वेक्टर फॉर्म में, क्लियर। तो अब जरा उसकी डेरिवेशन देखो कैसे करेंगे, नोट करें भाई साहब उसको, पहले जल्दी से नोट करेंगे। चले भाई साहब हटा दें, चलो देखो ब्रैक्स लॉ वेक्टर फॉर्म में करने के लिए हम क्या काम करेंगे, इस फिगर को थोड़ा सा क्या अलग, थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे। देखो क्या करना है, हम क्या करने वाले हैं भाई मेरे, हम इन वेक्टर्स को देखो, ये ए ओ ए वेक्टर है, ओ बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, हम इन वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। किस स्केलर? वो स्केलर क्या होगा? टू पाई स्केलर होगा। वो स्केलर क्या हो जाएगा? टू पाई स्केलर हो जाएगा। तो ध्यान समझना, ये स्फीयर है, मैं डॉट नहीं बना रहा, मैं सीधा स्फीयर दिखा रहा हूँ। ये हो गया हमारा ए, ये वाला ए, हमने ओ ए को 2π से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया हमारा ऐसे करके 2π, क्लियर। तो ये हमने एक स्फीयर बना दिया, ये वाला स्फीयर है। अब हम देखो कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ओ ए वैक्टर का ओ बी वैक्टर को एंड ए बी वैक्टर को बाय अ स्केलर 2π, ठीक है। हमने क्या काम करा है, हम इन तीनों वेक्टर्स को 2π से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड, इनकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो हमारा ओ बी वैक्टर जो होगा, सॉरी ओ ए वैक्टर होगा, वो हो जाएगा ए डैश ओ डैश। सर्कल भी तो बड़ा बनाना पड़ेगा फिर, तो ए डैश ओ डैश, ठीक है। अच्छा ध्यान सुनते रहना मेरी बात को। उसके बाद ये वाला वैक्टर ऐसे करके आ जाएगा, ये हो गया हमारा बी डैश, और ये वाला पॉइंट हमारा आ जाएगा ऐसे करके, क्लियर। ये एंगल, ये फिगर बनेगी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ओ ए ओ बी और ए बी वैक्टर को विद आ स्केलर 2π, देन वी गेट न्यू वैक्टर्स ओ डैश ए डैश वैक्टर, जो किसके इक्वल होगा? 2π/λ के। और ये सोचो क्या है, ये प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट होता है, एक वेव वेक्टर होता है विच इज के, के वेक्टर, जिसको आप क्या कहते हो? वेव वेक्टर कहते हो या फिर प्रोपोगेशन वेक्टर कहते हो? प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ठीक है। वो स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आ रहा होगा, मैंने स्टेटमेंट बताया ही था कि रिलेशन निकालता है वेव वेक्टर का और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट एक्सरे का, तो वो आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या काम करा, अगर मैं इस वेक्टर में 2π की मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलेगा 2π/λ, और 2π/λ होता है वेव वेक्टर, जिसे हम प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, क्लियर है। मतलब कि ये वाला वेक्टर हो गया हमारा के वेक्टर। ओ डैश बी डैश हमारा एक रेसिप्रोकल वेक्टर है, तो हमने उसको ले लिया आर, ठीक है। ओ डैश वो तो वही रहेगा ना, तो ये बेसिकली हमारा क्या है, ये आर वेक्टर हमने लिया है, आर बोले तो रेसिप्रोकल वेक्टर, रेसिप्रोकल वेक्टर। यहाँ तक समझ में आता है? यहाँ तक समझ में आता है? ध्यान सुनते रहना मेरी बात को। अच्छा अब सुनो, अगर मैं इस फिगर से देखूं बाय वेक्टर अलजेब्रा, बाय वेक्टर अलजेब्रा जो ए डैश बी डैश वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा? के वेक्टर प्लस आर वेक्टर के। भाई वेक्टर अलजेब्रा से देखो ना, कुट 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 ये प्लस हो गया के वेक्टर प्लस आर वेक्टर के। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब दिमाग लगाना, ये स्फीयर है और ये सेंटर से यहाँ जा रहा है, ये भी सेंटर से यहाँ जा रहा है, मतलब दोनों वेक्टर इक्वल होंगे, ए डैश ओ डैश और ए डैश बी डैश इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं ऑफ इवॉल्व स्फीयर। मतलब कि ओ डैश ए डैश वैक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा ए डैश बी डैश वैक्टर के मैग्नीट्यूड के, काहे? बिकॉज बोथ आर रेडियस ऑफ इवॉल्व स्फीयर, इवॉल्व स्फीयर, ठीक है। इसका वेक्टर क्या है? ये हो गया के वेक्टर, के वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा हमारा के वेक्टर प्लस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्लियर। स्क्वायरिंग बोथ साइड,
अगर आप स्क्वायर करोगे उस साइड तो ये आ जाएगा स्क्वायर ऐसे करके। इसको मैं लिख सकता हूँ के वेक्टर का स्क्वायर, सॉरी इसको मैं लिख सकता हूँ के वेक्टर प्लस आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के वेक्टर माइनस आर वेक्टर, ठीक है, के वेक्टर सॉरी के वेक्टर प्लस आर वेक्टर, गलती करती प्लस यहाँ तक समझ में। भाई हमने क्या काम किया, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, इसको मैं लिख दिया के वेक्टर का स्क्वायर, इसको मैं लिख दिया ऐसे, ठीक है। इसको सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं के का स्क्वायर, के वेक्टर का स्क्वायर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भैया, के का स्क्वायर लिख लो यार, के डॉट के, के का स्क्वायर। अच्छा सुनो, अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ के स्क्वायर के वेक्टर डॉट के वेक्टर प्लस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर प्लस आर वेक्टर डॉट के वेक्टर प्लस आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ये क्लियर है। एक सेकेंड, मैं दूसरा बार कर ले लेता हूँ, यहाँ तक नहीं, हमने कुछ नहीं करा भैया, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे इससे, क्लियर। तो ये बना के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ टू के वैक्टर डॉट आर वैक्टर प्लस आर स्क्वायर। ये गया तेल लेने भाई साहब, तो क्या बना अपने को, बना टू के वैक्टर डॉट आर वैक्टर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और इसी को कहते हैं ब्रैक्स लॉ इन वैक्टर फॉर्म या फिर ब्रैक्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस। मतलब मेरे भाई, अगर आप डायरेक्ट लैटिस को डील कर रहे हो तब आपके पास ब्रैक्स लॉ क्या होगा, 2d sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा, n लैम्डा, हाँ। लेकिन अगर आप रेसिप्रोकल लैटिस को डील कर रहे हो तब आपका ब्रैक्स लॉ होगा ये 2k वेक्टर डॉट r वेक्टर प्लस r स्क्वायर। यहां पर k क्या है, वेव वेक्टर, r क्या है, रेसिप्रोकल वेक्टर जो उन प्लेन्स के परपेंडिकुलर होगा, क्लियर है। इसको ही आप कह रहे हैं ब्रैक्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, या तो वेक्टर फॉर्म कह लीजिए या फिर आप कह सकते हैं ब्रैक्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस। यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है, फंडा क्लियर हुआ, तो नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लो यार, चलो क्लियर। सो आई होप आपको समझ में आया हो इस वीडियो में इवॉल्व कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, इवॉल्व कंस्ट्रक्शन क्यों आया, क्यों हमने इसे पढ़ा, और इवॉल्व कंस्ट्रक्शन से हमने कौन सी कंडीशन निकाली, हमने निकाला ब्रैक्स लॉ रेसिप्रोकल लैटिस के, क्लियर। सो आई होप आपको इवॉल्व कंस्ट्रक्शन का और ये डेरिवेशन समझ में आई हो। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।